शाबाश। वीडियो की शुरुआत में इतना प्यारा सीन, मजा ही आ गया। Hey, what's up guys, Gaurav here, you're watching Truemobiles। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा, एग्जैक्टली आज मैं वही चीज करने वाला हूँ। हम पिताजी का स्कूटर चलाएंगे और आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसा रहा। आज हमारे साथ हैं हमारे मित्र हर्ष जी। और अभी जा रहे हैं गैराज। एक्चुअली पापा का स्कूटर खराब था तो गैराज से अभी ठीक हो गया है, उनका कॉल आया तो वहाँ जा कर के स्कूटर पिक करना है। और पिक करके हम एक्सपीरियंस अच्छा सा शेयर करेंगे। बड़ा वियर्ड रहेगा बिकॉज मैं कितने टाइम पहले आंटी जी आज से मैंने करीब 5 से 6 साल पहले मैंने स्कूटर चलाया था और आज मैं वापस से चलाऊंगा तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अंधेरा हो उससे पहले पहले हमें पहुंचना होगा। और एक और चीज, लास्ट वीडियो में कई लोगों ने कहा था कि साइड मिरर नहीं है, तो भाई मैं साइड मिरर लगवा दूंगा। एक्चुअली अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, एक रिक्शा वाले ने थोड़े टाइम पहले ठोक दिया था, तब हमारे पास एक्शन कैमरा नहीं था तो नहीं तो वो सीन भी दिखाता, तो उसके ठोकने की वजह से जो साइड मिरर थे वो लूज हो गए थे, तो इस वजह से मुझे निकालने पड़े। बट साइड मिरर नहीं होने की वजह से मैं अंडर लिमिट से चलाता हूँ, बिल्कुल मैं ओवर एक्सीड नहीं करता। 40 और 50 मैक्सिमम मैं ये बाइक को अभी लेकर के जाता हूँ, उससे ऊपर नहीं ले जाता। कोई लाइन ही नहीं बनाई है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले, कोई लाइन ही नहीं बनाई ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले, आदमी रुकेगा किधर? हाँ वो सिंगापुर अलग जगह भाई, एकदम ही वही तो कि अगर आपको रोकना है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बीच में जो काली पट्टी दिख रही है वहां रोकी है। शाबाश, क्या ही कहने। ऑल्सो गाइज, अभी कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि ऑडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है, थोड़ी आवाज़ फटती हुई सी लग रही है। सो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक नया हेलमेट ले लूँ मोटो ब्लॉगिंग के लिए। अगर आपके दिमाग में कोई हेलमेट हो अच्छा सा कि यार ये वाला हेलमेट अगर पहनोगे तो मोटो ब्लॉगिंग आपको इशू नहीं आएगा, साउंड क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो प्लीज़ सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन और मैं देखूँगा वो वाले हेलमेट को पूरा अंदर से। बिकॉज मोटो ब्लॉगिंग में मेन चीज़ लुक्स नहीं होता, अंदर पैडिंग वगैरह कैसा वो चीज़ मैटर करता है। अगर पैडिंग अच्छा है तो उसके अंदर क्या होगा कि मैं पैडिंग को थोड़ा एक्सटेंड करके अंदर माइक को सेट कर सकता हूँ, अदरवाइज वो प्रॉब्लम करेगा। तो समय समाप्त हुआ, अब बस हम पहुँच गए हैं हमारे डेस्टिनेशन पे जहाँ से हमें स्कूटर को पिक करना है। वी हैव रीच्ड, पापा के पास सुपर स्कूटर है 150 cc, ऐसे कुछ सीसी का एग्जैक्टली याद नहीं कितने सीसी है, पता ही नहीं है मतलब, बट मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि शायद 150 cc होगा। तो हमने स्कूटर ले लिया है, बस अब निकल रहे हैं। चाबी वाबी सब के कहाँ से लगती है? एक आगे बाकी सब पीछे। हाँ एक आगे है, आगे कर रहा हूँ, सारे न्यूट्रल आ रहे हैं, एकदम आगे है। अच्छा तो सारे पीछे होंगे फिर, मार दे रहा हूँ, एक जन घुमा लो पीछे ले। कैसा लग रहा हूँ मैं स्कूटर पे? जबरदस्त। तो अब हमारी राइड शुरू होगी पापा के स्कूटर पे। डम डम
यार एक तो पाँव की आदत हुई भी है, पाँव घूमता है, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। ये स्कूटर का हैंडल टेढ़ा क्यों लग रहा है? ले लेगा ना, नहीं पता कौन से घर पे। आराम से चल, रुको रुको रुको, ले लें दो। अरे ऑडी वाले अंकल रुक जाओ प्लीज, आराम से भाई। बड़ा ही खतरनाक एक्सपीरियंस है स्कूटर में तो। भाई साहब ये हैंडल का कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। चलो जाने दो, क्या कर रहे हो आप? बाप रे, स्पीड वाइज तो खतरनाक, दंदनाट, सुपर डुपर फास्ट। ओहो, पापा क्या दौड़ेंगे नहीं, मार नहीं खानी मुझे। कैसा लुक आ रहा है मेरा चलाने में, लुक कैसा आ रहा है? अरे यार ये बंद हो जाता है ये गियर में, तो ऐसे बंद हो गया तो दिक्कत होगी। रेस शुरू होने वाली है। आई थिंक 5, 4, 3, 2, 1 लेट्स गो। ज़्यादा आगे म्यूजिक नहीं, कॉपीराइट नहीं चाहिए मुझे। मेरे भाई धीमा चलाओ, आई एम कमिंग। बस जो एक चीज वियर्ड लग रही है वो है थोड़ा सा ये हैंडल बार इसका टेढ़ा है। पापा से पूछना पड़ेगा ऐसा ही रहता है या क्या है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस तगड़ा, मजा आ गया भाई साहब। यो वाइब्रेशन जैसा हमें पता है वो जबरदस्त होते ही है स्कूटर में, तो वाइब्रेशन तगड़े आ ही रहे हैं। बट द फीलिंग इज डोप बेबी, मजा आ गया भाई साहब। स्कूटर की आवाज सुन रहे हो? V8 को टक्कर दे वैसा है, जबरदस्त, मजा आ गया भाई साहब। हॉर्न क्यों नहीं बज रहा? ओके, इंडिकेशन पर टिंग टिंग करता है। वो हॉर्न भी चालू हो गया, नाइस। पता नहीं आपको सुनाई दे रहा होगा या नहीं, बट नाउ हॉर्न इज ऑल्सो वर्किंग। ओ नाइस, थंडरबर्ड नहीं है, क्लासिक 350 शायद, 500 भी हो सकती है। आवाज सुन रहे हो आप स्कूटर की, क्या पावरफुल आ रही है, ब्राम ब्राम करके एकदम तगड़ी। बट स्कूटर में एक चीज है, ये पोस्चर एकदम स्ट्रेट रहता है और जो आपका हाथ है वो भी थकता नहीं है एक पॉइंट से, बिकॉज पूरा नीचे की तरफ आता है बिल्कुल भी, इसका जो स्टांस है वैसे ऊपर नहीं रहता या ऐसा कुछ कर भी नहीं रहता, एकदम स्ट्रेट रहता है। सो काफ़ी रिलैक्सिंग है, काफ़ी सही है। अगर ऐसे नॉर्मल स्पीड पर चला रहे हो तो ठीक है, डिसेंट है, चलाओ मज़ा आएगा, बट ऑन हाई स्पीड बहुत वाइब्रेट करता है और चिल्लाता है वाम। हमारा स्कूटर सोसाइटी में घुसने के बाद में टिंग टिंग करता है। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज रियली डोप गाइस,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कूल एंड फनी वीडियोज, और अभी सून रिव्यू वीडियोज़ भी आ जाएंगे. सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो एंड अ यूजफुल वीडियो. पीस.